नमस्कार नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से यामिनी शर्मा, आर्क एंजल जो मनी के लिए जाने जाते हैं, उस पर वीडियो बना रही हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। और एंजल वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। आज हम एंजल वर्ल्ड की बात करेंगे, ऐसी एंजल जो हमें वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मनी और मोर्टैलिटी जो हमारा वर्ल्ड है उसमें प्रॉस्पेरिटी देती है, आज उस एंजल पे हम बात करेंगे। वैसे तो जब हम एंजल कोर्स से जुड़ते हैं या आप एंजल कोर्स मुझसे सीखते हैं तो मैं अलग अलग एंजल्स की इंफॉर्मेशन अपने कोर्स के माध्यम से देती हूँ। आप उनसे जुड़ते हैं, एंजल्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं और एंजल कोर्स करते हैं, और कोर्स करने के बाद में आप उनसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं जो आपके लिए वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मनी गेन करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं जुड़े होते लेकिन वो इन्वोक करना चाहते हैं या वो अपनी प्रार्थनाओं में अपने देवदूतों को रखना चाहते हैं, अपनी आर्क एंजल से प्रार्थना करना चाहते हैं जो उनकी मनी की इश्यूज है, मनी प्रॉब्लम्स है, या कोई मनी का ऐसा काम जो करना चाहते हैं या जॉब के लिए, तब किस एंजल को अपने इन्वोक करें लाइफ में कि वो प्रॉस्पेरिटी गेन करना या उनके लिए मनी वेल्थ के रास्ते खुलना शुरू कर दे। एंजल्स या आर्क एंजल्स हमारे लिए जो होते हैं वो प्रॉस्पेरिटी करने में हमारी बहुत हद तक मदद करते हैं। एंजल्स से वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और मनी हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। एंजल्स से जब हम उनका नाम पुकारते हैं, उनके पर्टिकुलर रिचुअल्स जो है उन्हें फॉलो करते हैं, तो एकदम से हमारी जो इच्छा होती है वो पूर्ति करना शुरू कर देती है। ये हमारे और भगवान के बीच में एक देवदूत है जो हमारी प्रार्थनाओं को, इच्छाओं को बड़ी सरलता के साथ हमारे जो भगवान है उनके पास तक पहुँचा देते हैं और वो इच्छा हमें प्रसाद स्वरूप प्राप्त होना शुरू हो जाती है। एंजल वर्ल्ड बहुत अलग वर्ल्ड है, जो उनको बिलीव करते हैं वो 100% करते हैं। और ऐसा है जिन लोगों ने किया है बिलीव, इनसे प्रार्थना करके निकले हैं, तो वो काम उनके उनकी इच्छा के अनुरूप पूरे होने शुरू हो गए हैं। या कहीं वो जा रहे हैं और उनको इन्वोक अपनी लाइफ में कर रहे हैं, प्रॉपर उनके रिचुअल फॉलो कर रहे हैं। अगर कोर्स से जुड़े हैं तो ऑब्वियसली आपको एक एक चीज पता चल जाती है, तो पॉजिटिविटी गेन, यहाँ तक कि माइंड पर भी आपके वो पॉजिटिव असर डालना शुरू कर देती है। आपके लिए पॉजिटिव आपके और आपके लिए क्रिएट करना शुरू कर देती है। आज मनी प्रॉस्पेरिटी के एंजल के बारे में बताऊंगी, कौन सा दिन होता है उनका, कैसे बुलाना है, क्यों वो हमारी लाइफ में आके प्रॉस्पेरिटी गेन कर देती हैं, वो सारे रिचुअल्स आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करूंगी कि अगर एंजल को आपको बुलाना है तो उनका नाम है सचील। इस नाम को आप याद कर लीजिए। सचील एंजल जो है वो हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारी वेल्थ और मनी के इश्यूज पर काम करती है। जो इनका स्वरूप है वो बिल्कुल ब्राइट पर्पल कलर, ब्लू कलर की लाइट है, जो सोल की लाइट होती है। बेसिकली ये कहाँ पाई जाती हैं या जो लोग इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं वो भी आज बताऊंगी। मनी के इश्यूज में यदि आप इस एंजल को इन्वोक करते हैं अपने लाइफ में, यदि आपने एंजल कोर्स कर रखा है उसके माध्यम से आप इनको करते हैं, तो आपके काम ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाते हैं। ये सीधा आपके काम को बनाना शुरू कर देती है और एकदम आपकी लाइफ में उसे इन्वोक कर देती है। ये उस हद तक ये एंजल आपके लिए काम करती है। सबसे पहले इनका जो दिन है वो होता है थर्सडे। यदि आपको इनको कॉल करना है तो थर्सडे के दिन करना है। इनको पानी के आसपास रहना बहुत पसंद है, बिकॉज वाटर जो है, दैट इज एलिमेंट जो वाटर है वो हमारे मनीज पे काम करता है। कहते हैं पानी को ज्यादा ना बहाएं। अगर नल की टोटी से अगर आप वास्तु के प्रयोग देखेंगे, अगर पानी टपक रहा है तो आप समझ लीजिए आपका पैसा भी पानी की तरह बह जाएगा। कहावत है ना कि पैसे पैसे अगर वो पानी की तरह बहा दिया, तो जो आपका मनी है वो आपका जो आपका वाटर है उस एलिमेंट के बहुत टच में रहता है। फाउंटेन्स के पास में,
या आपके जो फाउंटेन एरियाज है उनके पास में बहुत जल्दी ये आपको बहुत इजीली आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत जल्दी पॉजिटिविटी देती है। अर्थ एलिमेंट इनको बहुत प्रिय है, इसलिए इनका कनेक्शन अर्थ से बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज ये बहुत लाइटली अर्थ एलिमेंट में आ सकती हैं, वाटर एलिमेंट से बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकती हैं। थर्सडे का डे इनके लिए होता है जो इनको बहुत ज्यादा प्रिय, बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। आप ही लोगों से मुझसे अक्सर कहते हैं मैम प्लीज डे बताइए, दिन बताइए। जो कलर इनका होता है दैट इज ब्लू कलर। ब्लू इज एमेथिस्ट का भी कलर होता है, लैपिस का भी कलर होता है, और हमारे जो ब्लू सफायर जिसे हम नीलम कहते हैं उसका भी कलर होता है। नीलम एक ऐसा रत्न है जिसे पहनने से पहले आपको 100 नहीं 110 बार सोचना पड़ता है। नीलम मनी के इश्यूज पर काम करता है, और नीलम एक ऐसा रत्न है जिसकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा तेज होती है। मतलब ये वो रत्न है जो आपको 24 घंटे के अंदर या कुछ ही घंटे में असर दे देता है, जो नीलम की फ्रिक्वेंसी इतनी फास्ट होती है। तो इनका जो मेन जो स्टोन है वो नीलम, एमेथिस्ट या लैपिस, इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट रहती है। ये जो एमेथिस्ट है इसके क्लस्टर्स इनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट रहती है। ये बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। क्लस्टर एमेथिस्ट का आप रखते हैं दैट इज सीधा आपके अपर चक्रा क्राउन चक्रा पे काम करती है। आइडियाज भी तो आपके अपर माइंड से ही आपको क्राउन चक्रा से मिलते हैं। देन क्रिएट अ हार्ट वाइब्रेशंस, ये बहुत जल्दी हार्ट की वाइब्रेशंस को क्रिएट कर देती है। देखिए पानी में कितना असर है कि पानी एक बिल्कुल आप टच कर रहे हैं एकदम शांत होता है, लेकिन उससे आप सोचिए बिजली तक क्रिएट कर लेते हैं। पानी से तो हमें बिजली प्राप्त होती है। तो इसकी जो हमारे सचिल हैं इनकी वाइब्रेशन इतनी आर्कएंजल की इतनी फास्ट है, एंड वाटर एलिमेंट अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट रहते हैं। तो जब भी हम इनसे अप्रोच करते हैं अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, मनी गेन्स की, वेल्थ की, तो ऑटोमेटिक वो क्रिएट होना चाहती है हाई डायमेंशन में, और वो हमारे सारे मनीज के इश्यूज को क्लियर करना शुरू कर देते हैं। मनी के इश्यूज जो है वो आपके हार्ट चक्रा से भी कंसिडर करते हैं। आपने कोई चीज सोची मनी को लेके, वेल्थ को लेके, ऑब्वियसली क्रिएट योर हार्ट चक्रा, देन ये सब इनकी आप वाइब्रेशन जब महसूस करेंगी या जिन लोगों से कनेक्ट हो जाती है आप ऑटोमेटिक लिखेंगे, जब वाइब्रेशन दिखती है उनका जो अपर चक्रा है क्राउन चक्रा ऑटोमेटिक वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। दे फील समवन आपके पास खड़ा है या समथिंग गेटिंग अ गुड वाइब्रेशन, पर सबके साथ नहीं है, पर दोज हु आर कनेक्ट विद एंजल कोर्स दो नोज की हाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, और कुछ एंजल से कनेक्ट होने के रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति कनेक्ट हो सकता है, नहीं, बट कुछ रूल्स हैं एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आपको अपनी इनर सोल को बिल्कुल साफ रखना पड़ता है, नो चीटिंग। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, आपकी पॉजिटिविटी अपने अनुसार होनी चाहिए। ये सारी चीजें कंसिडर करती हैं आपके हायर सेंस को। देखिए ना, जो लोग गलत तरीके से काम करते हैं वो वाइब्रेशन भी तो वही अपने अंदर डाल रहे हैं, हाँ ये मुझे मिला, बट कहीं ना कहीं उनके मन में चीज आ जाती है। तो आप कैसे इन पॉजिटिव सोल से कनेक्ट होंगे? दीज आर हायर पॉजिटिव सोल्स, हमारी सोच से भी परे इनकी दुनिया है। तो बेसिकली आपको इस एंजल से कनेक्ट होने से के लिए आपको पर्टिकुलर ईज का स्टोन है उनसे आपको जानना पड़ेगा। देन जब आप इनसे कनेक्ट होते हैं तो मेक अ पॉजिटिव फीलिंग। आपको क्या चाहिए पर्टिकुलर? आप जमीन खरीदना चाहते हैं, मनी का इश्यू आ रहा है, या आपका फ्लैट भाई आपको नहीं मिल रहा, देन आप इस एंजल से कम्युनिकेट कीजिए। मैंने यहां तक देखा है कि आपका जो लैपिस होता है, जो लैपिस लूसी स्टोन होता है, वो भी बहुत काम करता है। देन पुट अ बिग क्लस्टर, एमेथिस क्लस्टर्स या एमेथिस की केव्स अच्छी जो आती है वो आप अपने मनी एरिया में, पॉजिटिव एरिया में क्रिएट कीजिए। कैंडल इनको बहुत प्रिय है, ये वाटर फाउंटेन्स, वाटर एलिमेंट से बहुत ज्यादा टच में रहती है, तो इसके थ्रू भी आप उनको सचिल से कनेक्ट हो सकते हैं। आर्कएंजल सचिल मेक अ पॉजिटिव वाइब्रेशन इन योर लाइफ। मनी इश्यूज, वेल्थ, या कहते हैं आप तुम हमें तो पैसा ही नहीं बचता या हमारे तो पैसे का योग नहीं है, मैं ऐसे व्यक्ति से कहूंगी कि इनको इन्वोक कीजिए। अगर एंजल कोर्स से जुड़े हैं तब इन्वोक करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा होगा, बिकॉज यू नो द रिचुअल। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इसलिए पूरा आप जब उसकी पूरी स्टडी करके आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं दैट्स क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। पर ये नहीं आपके सामने खड़ी हो जाएंगी या मुझे दिख रही है या ये है, होता है, मगर
ये आपका भ्रम भी हो सकता है। तो प्रॉपर वाइब्रेशंस क्रिएट कीजिए, आप इनसे प्रार्थना कीजिए, ये आपकी वो मनी की इश्यूज को, या आपकी मनी नहीं रुक रहा है या मनी की प्रॉब्लम से, उनको ऑटोमेटिक कनेक्ट करती है और तुरंत वो हाई डायमेंशंस में लेके चली जाती है और आपको एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव ऑरा आपके लिए क्रिएट करना शुरू कर देती है। तो आज मैंने जो मनी की एंजल है उनके बारे में बताया, उनका डे बताया, उनका स्टोन बताया, किस एलिमेंट से वो ज्यादा टच में रहती है, कौन सा एलिमेंट उन्हें पसंद है वो तक आपको बताया। अगर आप सभी को मेरा रेखी ज्ञान चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज मैं कहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।